राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम अपने दिवाली के व्लॉग की शुरुआत करते हैं रंगोली से। लास्ट ईयर मैंने ये वाली रंगोली लगाई थी, ये जो पेस्टिंग वाली रंगोली होती है वो थी, तो ये थोड़ी पुरानी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही मैं कुछ कलरफुल रंगोली बना दूं, जिससे कि वो रंगोली छिप भी जाए और उसके ऊपर एक नई रंगोली बने जो बहुत ही सुंदर लगे। तो मैंने कोशिश की कि अच्छी रंगोली बने और भगवान की दया से वो अच्छी बन भी गई, तो मुझे बहुत प्यारी लगी, जिसमें कि एक मोर पंख था और चारों तरफ थोड़े कलरफुल रंगों से मैंने सर्कल करके पंखुड़ी टाइप में बना रखी थी और बीच में मैंने श्री जी के पैर बनाए थे। देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने किसी चीज़ को कवर अप करने के लिए ये रंगोली बनाई है, और बिल्कुल प्यारी उभर के ये रंगोली आई थी। इसके कलरफुल सारे इतने प्यारे लग रहे थे। और आप सबको ये कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने पहली बार कलर से रंगोली बनाई है, नहीं तो हर बार मैं वैसे वो पेस्टिंग वाली रंगोली ले आती थी और उसे यहाँ पे चिपका देती थी, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अब देखिए मेरी रंगोली का फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप सबको। फिर दूसरी तरफ मैंने दिए भिगो दिए थे, उनको मैं निकाल के रख रही थी ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाएं। इनको ड्राई होने में भी 1-2 आवर्स तो लगता ही है, तो ये पानी सूख लेते हैं तब तक हम इनको साइड में रख देते हैं पानी में से निकाल के। और वैसे तो हम ड्राई दिए भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कभी से ऐसे करती आई हूँ। उधर स्टेयर्स में जाके देखा तो ये छोटे महाशय ऊपर चढ़ रहे थे। इनको जब भी मौका मिलता है ये ऐसे ही घर से निकल के और ऊपर आ जाते हैं हमारे पास। इधर किचन में रख दी थी मैंने खीर बनाने के लिए, और मम्मी पापा हैं ये हमारे, इनकी तस्वीर है। और ये तस्वीर विवेक जी ने बनाई है, POP से पापा की तस्वीर है ये। और ये हमारी डेकोरेशन है जो स्टेयर्स पे मैंने की थी, लाइटिंग, सन, ओम, टॉर्टोइस, मनी प्लांट, और मेरी प्यारी सी रंगोली है, और हमारे गणेश जी हैं ऊपर विराजमान हैं। और अब शाम हो गई थी, तो अहोई व्रत में जो हम 2 पानी के मटके रखते हैं उनमें से 1 मटके का पानी हम पोचे में यूज़ करते हैं, जो दिवाली पे घर में पोचा लगाया जाता है, तो मैंने ऐसे यूज़ किया। और फिर मैंने जो दिए थे वो मंदिर के सामने ऐसे सारे लगा दिए, जिसमें कि फिर मैंने ऑयल डाल के उनमें बाती लगाई, और ऐसे मैंने अपनी पूरी दिवाली की तैयारी की। फिर उसके बाद हमने इकट्ठा होके लक्ष्मी जी के सामने सारे दियों को प्रज्वलित किया, और फिर हमने लक्ष्मी पूजन किया, और हमने गणेश जी की आरती की, और हमने राम जी की आरती की। अब की बार मैंने ढेर सारे दिए ही दिए लिए थे, मैंने अब की बार कोई भी कैंडल नहीं ली, बस सारे दिए ही प्रज्वलित किए थे, एक भी कैंडल नहीं लगाई मैंने। और आपको मेरा मंदिर, मेरी पूजा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद दिए पूरे घर में लगाए। बीच में मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर फ्रेंड के जाने के बाद सारे घर में दिए लगा के मैंने श्री जी के कुमकुम वाले पैर बनाए, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं ऐसे करना। ऐसे करके हम लक्ष्मी जी का वेलकम करते हैं। ये पैर हमें एंट्री गेट से लेके मंदिर तक बनाने चाहिए, और हमें जो फर्स्ट स्टेप है वो राइट साइड वाला बनाना चाहिए। तो फिर इसके बाद ये मेरी डेकोरेशन से लेके रंगोली से लेके लक्ष्मी माँ के पैर ऐसे बनाए मैंने, और ये धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ऐसे ये पैर बनाए मैंने, और ये फिर मेरा मंदिर है। जय महालक्ष्मी।
तो यहाँ पे मेरा पूजा का काम और डेकोरेशन का और दिए लगाने का सारा काम फिनिश हुआ। तो अब हम चले थोड़ा फोटोशूट करने। तो ये मेरे गैलरी का लुक है जहाँ पे लाइटिंग थी और फिर मैंने थोड़े क्रैकर छुटाए। ये मैंने फुलझड़ी छुटाई और मुझे ज़्यादा कुछ क्रैकर्स से थोड़ा डर ही लगता है मुझे, बट मैंने कोशिश की थोड़ा सा इन्जॉय करने की। बच्चे तो सब जा चुके थे गली में, वो सब बच्चे एक ही साथ क्रैकर्स छुटा रहे थे। बाकी मेरे को थोड़ा सा डर लगता है इन सब से, फिर भी मैंने थोड़ा सा इन्जॉय किया इसमें भी। और जब मैं छत पे गई, आगरा बूंदी कश्मीर बात ना छोड़ के चुकर देकर लग गया आगे।